जी हाँ, दरअसल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही साथ किसान सम्मेलन के दौरान शामिल होकर किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। आपको ये बता दें कि शपथ के बाद पहली कैबिनेट में पीएम मोदी ने किसानों से जुड़े मुद्दे और इस योजना पर साइन किए। माना यह जा रहा है कि मोदी सरकार किसानों को लेकर काफी चिंतित है और इसी कड़ी में 17वीं किस्त में प्रधानमंत्री देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि भेजेंगे डीबीटी के माध्यम से। प्रधानमंत्री के आने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद रहेंगे। काशी की जनता भी अपने सांसद को देखने के लिए बेताब है। काशी में पीएम मोदी दर्शन पूजन भी करेंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर विस्तार से हम समझने के लिए खास पैनल के साथ चर्चा भी इसको लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की क्या जो है इंतजाम किए गए हैं? हमारे साथ अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था चिनप्पा सर है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, कितने जो ड्यूटी लगी है पुलिसकर्मियों की? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और जो जो वेन्यू जा रहे हैं वहाँ सभी प्रकार का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब पूर्ण कर ली गई है। जगह जगह जो जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन रहेगा और जो जनता को भी किसी प्रकार का असुविधा ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, पार्किंग व्यवस्था की गई है और सभी प्रकार का जो हमारे जो जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सर, अगर बात करें तो कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के आगमन को देखते, कितने IPS ऑफिसर हैं, कितने जवान लगे हैं? इसमें देखिए जो पर्याप्त संख्या में जो जो IPS ऑफिसर्स लगे हैं, PPS ऑफिसर्स है और जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स है हमारा जवान PAC कुछ RAF लगे हैं और पर्याप्त संख्या में समुचित व्यवस्था की गई है। थैंक यू। तो ये थे अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था चिनप्पा जी, जिन्होंने बताया कि समुचित संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक डायवर्जन भी जो है जारी किया गया है, लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अमुक समय में ना निकलें। तो कुल मिला के बनारस पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था दिख रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो अपर पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में तमाम जो पुलिस के तमाम अफसरान हैं, चाहे IPS ऑफिसर हो, चाहे PPS ऑफिसर हों, चाहे SHOs हों या सब इंस्पेक्टर्स हों, साथ ही भारी संख्या में जो जवान हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला इसी मार्ग से होते हुए गंगा घाट तक जाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। तो उसको लेके अभी से जो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मुकम्मल जो है परखी जा रही है, पूरी जो हिदायत दी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई कमी न रहने पाए। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। बनारस से लगातार तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद, देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और आपको बता दें कि लगभग 4:30 शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरेंगे, जहां से जहां से हवाई मार्ग से सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा मेहंदीगंज जो कि सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर उनकी एक विशाल जो जनसभा होगी, किसान सम्मेलन है जिसमें लगभग 50,000 की संख्या में किसान जुटेंगे और ये किसान पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आएंगे, वहाँ पर प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपए की जो 17वीं किस्त वो वहीं से जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है महिला स्वयं सहायता समूह की जो 30,000 महिला सखियों को भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आएंगे, वहाँ से सड़क मार्ग से जो है वो गंगा घाट जाएंगे, जहाँ पे दशाश्वमेध पे गंगा आरती में प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे। गंगा आरती में सम्मिलित होने के बाद प्रधानमंत्री जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ पे उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। तो कुल मिला के बनारस पूरे दुल्हन की तरह सज चुका है अपने सांसद का, देश का प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। हमारी मौजूदगी अभी लौराबीर चौराहे पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो बनारस के चौराहे या तिराहे हैं वहाँ पर केसरिया झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पूरे शहर को जो है सजाया गया है। जगह जगह जो बिजली के झालर जो है वो लटक रहे हैं, शहर की खूबसूरती को और चार चांद लगा रहे हैं। तो ये वही मार्ग है जैसा मैंने बताया कि मैं लौरा बीरपुर, ये वही मार्ग है जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जो है गुजरेगा। ये वही मार्ग है जब प्रधानमंत्री इसी मार्ग से होते हुए लौराबीर चौराहे से होते हुए पिपलानी कटरा से होते हुए जो है वो मैदागिन पहुँचेंगे और मैदागिन से चौक होते हुए गदोलिया होते हुए वो दशाश्वमेध घाट पहुँचेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहीं से सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पे जाएंगे और वहां से
मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और लगभग मंदिर में भी बात करें तो लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। वहाँ पर विधिवत उनकी जो है उनके द्वारा दर्शन पूजन किया जाएगा, बाबा का जो है भव्य जो है आरती की जाएगी। तो कुल मिला के बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही अहम दौरा है। जिस तरीके से किसान सम्मेलन को संबोधित करना और 50,000 की संख्या में किसान का जुटना वहाँ पे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात एक मायने रखता है। इस गर्मी के मौसम में भी जो बनारस पूरी तरीके से तैयार है स्वागत के लिए, बनारसवासी काशीवासी पलके बिछाए बैठे हैं अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो वो दिन वो समय बहुत जल्दी आने वाला है कि जब प्रधानमंत्री जो है बनारस में जो है किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो हस्तांतरित करेंगे किसानों के खाते में। उसके बाद काशी विश्वनाथ माता गंगा का आरती, इस तरीके के तमाम कार्यक्रम है। और रात्रि विश्राम की बात करें तो प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम बनारस रेल इंजन कारखाना के गेस्ट हाउस में करेंगे और अगले दिन वहां से नालंदा बिहार के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा आरती में भी जो है शामिल होंगे। आपको बता दें कि हमारी जो मौजूदगी है वो दशाश्वमेध घाट पे है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व यहाँ पूरी तैयारियाँ जो है अंतिम चरण में चल रही है। सुरक्षा के बाबत यहीं पर रोक दिया गया है, मीडिया को इसके आगे जाने की अनुमति नहीं मिली है। तो सुरक्षा का जो है मानक का पूरा जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा जो पालन कराया जा रहा है और तमाम जो SPG के जवान वो भी यहाँ पे हैं, केंद्रीय खुफिया तंत्र भी यहाँ पे सक्रिय है, साथ ही जो वरिष्ठ पुलिस अफसरान हैं वो भी यहाँ पे अभी भी आए हैं। काफ़ी संख्या में भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे है। और जो जैसा मैंने बताया आपको कि वो जो आपको जो स्थान दिख रहा होगा एक छोटा सा एक पंडाल टाइप का बना है, ऊपर जो छतरी बनी हुई है माला फूल से सजाई गई है, ऊपर केसरिया पूरा झंडे लहरा रहे हैं, वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। अगर बात करें तो लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे रहेगा, गंगा आरती देखेंगे वो, और यहां पे वो 6:30 बजे के आसपास यहां गंगा घाट पे पहुंचेंगे। तो ये वही मार्ग है जो प्रधानमंत्री जब आएंगे इसी मार्ग से आएंगे। आप देखिए उनके स्वागत के लिए पूरी रेड कारपेट बिछाई गई है और वही घाट तक का घाट के अंत तक वहाँ उनकी जो वाहन आएगा, उनका काफिला आएगा, वहाँ से वो पैदल इन्हीं घाट पे जो सीढ़ियों के द्वारा वो उस स्थान पे पहुँचेंगे। और ये वही स्थान है जहाँ पे अमित शाह के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती देखी। तो ये अलग अलग हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या आज महत्व रहने वाला है पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। विश्वदेव राव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। विश्वदेव राव जी के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। विश्वदेव राव जी, पीएम मोदी का पहली बार तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी का दौरा, ये क्या संदेश देता है? किसानों से जुड़ी इतनी बड़ी योजना जिसको लगातार चला रहे हैं पीएम मोदी, और 17वीं किस्त देना, इतना बड़ा सम्मान, लिहाजा वाराणसी को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे आप क्या समझ रहे हैं? मनीषा जी, ये एक संदेश देना है। आपने कई सांसदों के दौरे देखे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे जब भी बनारस में हुए हैं तो सबसे ज्यादा बार जब पहली बार 2014 में वहां से वो सांसद बने थे, उसके बाद से लगातार वो बनारस काशी के दर्शन करते आए हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करते आए हैं। और यहाँ इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि वो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त यहीं से देना चाहते हैं बनारस से, अपने पहले तीसरी टर्म के पहले दौरे में ही। ये एक संदेश देना है पूरे देश भर को कि हम आपके साथ ही, हम किसानों के साथ ही हैं। और दूसरा, कृषि सखी को 30,000 कृषि सखी जिनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मनीषा जी ये बहुत बड़ा कदम था। ये इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान का ये प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में उन्होंने लागू किया था जमीनी स्तर पे, जो आज हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। ये बहुत बड़ी लखपति करोड़पति दीदी वाला जो स्कीम आपने सुनी होगी, उसका एक ग्राउंड लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है जो प्रधानमंत्री इसको सम्मिलित कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि तो देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो कृषि सखी इन्होंने जो योजना चालू करी थी वो बहुत ही कारगर साबित हुई है जमीनी स्तर पे। आप अगर गौर करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तीन राज्य जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, जहां बीजेपी सबसे ज्यादा होल्ड करती है आई है 2019 चुनाव तक, वहां पर इसका काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है एक बेहतर संदेश आने वाले बिहार चुनाव के लिए यहां से देने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, संजय जी का मैं रुक कर लेती हूँ। संजय जी,
आप कितने सहमत हैं विश्वदेव जी की बातों से, क्योंकि अब वो नालंदा भी जाएंगे, देखिए यहीं से उनकी रवानगी भी होगी कल ही नालंदा के लिए, बिहार के लिए, तो क्या बिहार को एक बड़ा संदेश देने का काम वो वाराणसी से करने वाले हैं, साथ ही साथ किसानों के साथ अपना जुड़ाव बरकरार रखना इसका संदेश, और सरकार किसान हितैषी है ये भी एक संकेत देना वाराणसी से पीएम मोदी का उद्देश्य है, इस दौरे को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए मनीषा जी, किसान सम्मान निधि की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसके जरिए प्रधानमंत्री जी कोई विशेष मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि यह योजना पहले की है और लगातार ये चल रही है, किसानों को 500 रुपया महीना या 6000 सालाना के हिसाब से, 2000 प्रति किस्त के हिसाब से, ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और 17वीं किस्त जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है सरकार की जो पॉलिसी का एक हिस्सा है उसके तहत है। मूलतः जो मुझे लग रहा है वाराणसी दौरा का, कि चूंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो काशी विश्वनाथ वहां जाएंगे और बाबा जी का दर्शन करेंगे, आरती पूजन में सम्मिलित होंगे, यह महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। और चूंकि इस बार प्रधानमंत्री जी की जो जीत का मार्जिन था वो बहुत ही 1.5 लाख वोट से ही जीते हैं, तो निश्चित तौर पर वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो वाराणसी की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं, ये मूल उद्देश्य मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम आज भी आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, तो एक तो यह चीज है। और दूसरी चीज यह कि देखिए अगले वर्ष बिहार में चुनाव होना है और बिहार के चुनाव के आधार पर बहुत कुछ भाजपा का भी भविष्य दांव पर लगा हुआ, क्योंकि आज जनता दल यूनाइटेड जरूर इनके साथ खड़ी है लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं रहने वाली है, स्थितियां काफी कठिन होते चली जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद राजगीर भी एक प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने इसीलिए वो चुना है, वो नालंदा में चूंकि राजगीर विश्व प्रसिद्ध वो यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा पर्यटन स्थल है, मुझे लगता है कि इस नाते वो वहां से एक संदेश देना चाहते हैं और बौद्ध स्तूप है राजगीर में, वहां से संदेश देना चाहते हैं जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, और बिहार के लिए भी शायद वो कुछ संदेश देना चाहेंगे। जी मनीषा जी, ठीक है, विश्वदेव जी क्या आप भी इसी उद्देश्य के साथ इस दौरे को काफी अहम मान रहे हैं कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करना, बिहार की राजनीति को फोकस करना, क्योंकि अभी तो फिलहाल यूपी के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसमें तो लंबा समय है, आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले मोदी अपनी वहां पर भूमि को, अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ से शंखनाद भी कर सकते हैं वो और एक बड़ा संकेत भी दे सकते हैं बिहार की राजनीति में वहां के लोगों को भी। जी मनीषा जी, मैं डॉक्टर साहब की एक बात से तो सहमत हूँ कि एक टीस तो जरूर होगी प्रधानमंत्री के मन में कि कितनी कम मार्जिन से मैं जीता हूँ, 1.5 लाख की मार्जिन से, तो ये छह लाख और उससे भी पहले 2014 में 12 लाख के करीब, जी एक टीस तो होगी, तो ये स्वाभाविक है वो अब, लेकिन क्या करें, वो इसका उनको खामियाजा क्या गुजरना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि कहां उनके संगठन की तरफ से गलतियां हुई उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है ये दौरा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत प्रथम दृष्टया बहुत जरूरी है, बिहार चुनाव का संदेश तो यहां से दिया ही जाएगा, लेकिन यहां जो चर्चाएं निकल के आ रही हैं कि संगठन के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, जो मंत्री हारे हैं इस चुनाव में वो भी वहां मौजूद होंगे और वहां चर्चा भी होगी इस विषय में, वो वार्ता भी होने की बातें सामने आ रही है, तो ये सब सारी चीजें एक मिला जुला के देखें तो एक समीक्षा की बैठक भी होनी है और बिहार चुनाव के आने वाले चुनाव, महाराष्ट्र बिहार इन सब चुनावों को देखते हुए एक संदेश भी देना है। मैं समझता हूँ किसान सम्मान निधि जब उन्होंने पहले ओथ लेने के बाद जब अपनी पदभार ग्रहण किया था तब उन्होंने किसानों के लिए योजना किस्त भेजी थी जो भेजते हैं 2000 रुपए की, और ये सम्मान निधि अब की बार ये भेज रहे हैं 17वीं किस्त और साथ में सखी वाला जो आयोजन है, तो इस हिसाब से अगर इसको देखें तो एक सभी आने वाले चुनाव और उत्तर प्रदेश के हिसाब से संगठन में बदलाव और मंत्री परिषद में बदलाव और इन सब की भी समीक्षा करनी है। अच्छा, लेकिन संजय जी से मेरा अगला सवाल रहेगा, संजय जी क्या प्रधानमंत्री अब जब पहुंच रहे हैं तीसरी बार पीएम बनने के बाद, पहला उनका वाराणसी का काशी का दौरा
तो क्या उतनी उत्सुकता लोगों में नजर आएगी, काशीवासियों में नजर आएगी, जिससे पहले चुनाव से पहले वो लगातार पहुंचते थे, हमने देखा कि एक बड़े जीत के मार्जिन के साथ जब वो पहुंचे थे 2014 के बाद और 2019 के बाद, तो एक अलग ही स्तर का एक जोश और उत्साह लोगों के भीतर नजर आया। लेकिन इस बार चूंकि 1 से 1.5 लाख की मार्जिन के साथ पीएम जीते इस बार अपने संसदीय चुनाव, तो ऐसे में क्या उतनी उत्सुकता लोगों के भीतर, उतना ही विश्वास बरकरार रह पाया है? देखिए मनीषा जी, ये बड़ा एक स्वाभाविक सी बात है या ह्यूमन नेचर भी है, पहली बार जब कोई चीज होती है तो उत्सुकता ज्यादा होती ही होती है। और मोदी जी जब पहली बार जीतकर आए थे बनारस के दौरे पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्सुकता बहुत ज्यादा थी लोगों में। और स्वाभाविक सी बात है कि गुजरात के एक व्यक्ति और बनारस से चुनाव जीतकर और देश के प्रधानमंत्री बने, तो वह उत्सुकता तो देखिए नहीं रही। और अब ये तीसरी बार है, बनारस के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि मोदी जी का रिश्ता भी बनारस के साथ कुछ कुछ वैसा ही है जैसे घर की, तो जैसे नई दुल्हन आती है तो उस समय जब जो उत्सुकता होती है, और बाद में फिर धीरे धीरे वो घर के जो तौर तरीके आचार विचार व्यवहार में फिर वो फिर एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा हो जाता, तो मुझे लग रहा है कि वो उत्सुकता तो बिल्कुल नजर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर ये एज ए सिटीजन और एक व्यक्ति होने के नाते मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या मोदी जी इस बार, और क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत जरूर हुई है इनके लिए और भाजपा के लिए भी, क्या वो कोई नई घोषणा करने वाले हैं बनारस के लिए? मैं ये जरूर देखना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो बनारस को दे सकते हैं या उत्तर प्रदेश को दे सकते हैं कि जो सर्वथा नवीन हो, नूतन हो और जिसपे सभी लोगों की निगाहें हो खासतौर से। लेकिन एक दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे जिस प्रकार से 80 में, बनारस के 80 में एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, उसमें 350 लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप घर खाली कर दें, आप अवैध तरीके से रह रहे हैं और ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो 75 साल 80 साल 100 साल से जो लोग रह रहे हैं उनकी भी चिंताएं हैं। तो मोदी जी अब बीइंग प्रधानमंत्री किस प्रकार से इन चिंताओं को भी वह देखते हैं, समझते हैं और जनता को वो आश्वस्त करते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। देखिए बनारस की जो संस्कृति है और वह एक बड़ी नायाब और अनूठी संस्कृति है, बनारस के जो मौलिक स्वरूप है उसको अगर छेड़छाड़ न किया जाए और उसके बाद विकास की गाथा लिखी जाए तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन एक बात होगी। लेकिन हो यह रहा है कि विकास के नाम पर और कॉरिडोर के नाम पर जो तमाम इसके मौलिक स्वरूप है उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो रही है, ये चिंता का विषय है। तो प्रधानमंत्री होने के नाते क्या वह बनारस के लोगों को आश्वस्त कर पाते हैं, ये मेरी एक चिंता है जो मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ। जी मनीषा जी, ठीक है, इसी पर मैं एक छोटा सा जवाब ले लेती हूँ विश्वदेव जी से भी। विश्वदेव जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि बतौर तीसरी बार पीएम बनने के बाद उतना विश्वास और उतना भरोसा वो कायम रख पाएंगे आने वाले समय में भी, क्योंकि अभी और 5 साल यहीं पर उन्हें रहना है, यहीं पर उनके दौरे रहेंगे और यहाँ पर तो वो कहते हैं कि मेरा तो बहुत पुराना नाता काशीवासियों से रहा है, लिहाजा एक के बाद एक बड़ी जीत उन्होंने यहाँ से हासिल की और उसके बाद 1 से 1.5 लाख जो हमने पिछला चुनाव देखा उसमें उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा हालांकि, तो क्या ये समझा जा सकता है कि क्या विश्वास में कमी आई है, यहाँ के लोगों के भरोसे में कमी आई है और इस बार उतनी उत्सुकता और उतना भरोसा लोगों में देखने को मिलेगा पीएम के आगमन पर? मनीषा जी, इसको दो नजरिए से देखिए। पहला नजरिया, अभी 4 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक बैठक हुई थी गोरखपुर में, जिसमें काशी के संभाग के आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री का अब दौरा आ रहा है 4 दिन बाद। तो ये सब राजनीतिक परिस्थितियां, एक आपने बोला कि क्या उत्तेजोश से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि इस समय वो सरकार बना चुके हैं और प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार बने हैं, ऐतिहासिक कार्य हुआ है, नेहरू जी के बाद दूसरे कोई व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री 3 बार लगातार बना, तो ये ऐतिहासिक तो है, जोश की कोई कमी नहीं होगी। मैं समझता हूँ बनारस और काशी जिसे कहते हैं उसके लिए योजनाएं तो लगातार आती जा रही हैं। हाँ, एक जो बात कही डॉक्टर साहब ने कि वहां की संस्कृति पे क्या प्रभाव आ रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए आपने इस चुनाव में देख लिया वोट क्यों कम पड़ा, क्योंकि काशी की जनता ने ये संदेश देने की कोशिश करी प्रधानमंत्री को कि हमें
अपना भी एक मूलभूत चीज चाहिए। आपने अयोध्या में देखा, अयोध्या बीजेपी क्यों हारी, क्योंकि वहां पर आरोप लगे कि आपने जब जमीन कॉरिडोर बनाया और जिन जो जमीन पे रह रहे थे 100-100 साल से उनको आपने मुआवजा तक नहीं दिया। इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या लोगों में उतना विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो ऐसे में काशी वासियों को लगातार, देखिए हम ये कहते हैं कि काशी भी जब पीएम यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो बतौर सांसद यहाँ पर पहुंचते हैं, बतौर पीएम यहाँ पर कभी नहीं पहुंचते हैं, ये उनका हर बार कहना है। लेकिन इस बार चूंकि लोगों में एक नाराजगी भी देखने को मिली थी, उसके बाद तीसरी बार भले ही वो पीएम बने हों लेकिन लोगों के भीतर नाराजगी थी, और उसे दूर करना कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है पीएम के लिए भी। जी बिल्कुल मनीषा जी, इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। जब ये आरएसएस प्रमुख की बैठक हुई थी गोरखपुर में, तो उसमें भी यही मुद्दे उठे थे। आरएसएस प्रमुख ने एक स्टेटमेंट में दिया कि अहंकार और इस तरह की बातों का, तो इसका भी कहीं ना कहीं सांसद के तौर पे काशी की जनता को वो समझाएंगे और बताएंगे। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि वहां की अस्मिता और वहां की संस्कृति को कैसे सजो के रखेंगे, जिस पर आघात दिख रहा है वहां पर लोगों को, जिस वजह से वोटिंग कम हुई है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी कि क्या कोई बड़ा फैसला, क्या कोई बड़ी योजना, क्या कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं पीएम मोदी, मुझे 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 नहीं लगता कि ऐसे ऐसा ऐसी कोई चीज होगी, क्योंकि बहुत सी योजनाएं पहले से चल रही है, तो कोई नई योजना नहीं होगी। हाँ, जो जो परेशानियां वहां की जनता को है, खास तौर पे जिस तरह कोर्ट केस वाली जो बात कही, ठीक है सर, उसको सुलझाने की इंटरनल लेवल पे जरूर कोशिश होगी, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए काशी बिल्कुल तैयार है पीएम मोदी के स्वागत के लिए, क्योंकि आज पीएम मोदी किसानों को एक 17वीं किस्त के तौर पर उन्हें सम्मानित भी करेंगे, साथ ही साथ एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं। सभी को इंतजार है पीएम मोदी के आगमन को लेकर। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।